पहुजा बोर्ड भूत का घर। डर के पीछे का राज। आखिर इसे खेलने वाले लोग कभी मर क्यों जाते हैं? एंड अभी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि किसी भी स्पिरिट को नहीं करना चाहिए। ओइजा बोर्ड खेल रहे 11 बच्चों की मौत। स्कूल के बाहर मिले 100। मेडिकल रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग से मौत। मुंह से निकल रहा था झाग। ओइजा बोर्ड गेम को लेकर चल रही जांच। क्या ये डरावना नहीं है? बताइए। How about this? 28 girls hospitalized after playing with Ouija boards at their school in Colombia. ओहुजा बोर्ड का नाम भी एक अजीब तरीके से रखा गया। इतिहासकार बताते हैं, चार्ल्स केनार्ड 1851 में अपनी बहन के साथ ओहुजा बोर्ड से इसका नाम पूछा, तो इसने खुद कहा गुड लक। प्राचीन मिस्र में इसका मतलब ओहुजा होता था, और तभी से इस बोर्ड का नाम ओहुजा बोर्ड कहा जाने लगा, और आगे चलकर यही नाम पड़ गया। क्या यहाँ पर कोई भी हमारे अलावा मौजूद है? अगर है तो क्या आप हमसे बात कर सकते हो? गाइस, 1920 में यूएस में 30 लाख से ज्यादा ओइजा बोर्ड बिके थे। कुछ लोग इसका उपयोग गेम खेलने के लिए करते थे, तो कुछ लोग इसका उपयोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए। आप लोग देखो, कोई फैन भी नहीं चल रहा। गाइस देखो, यहाँ पे कोई नहीं है। आप देखो, सामने कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस रूम पे कोई आत्मा है? जल्दी करो गाइस, यहाँ पे घूमो। ओइजा बोर्ड यूज करने का एक खास नियम है जो कि सभी को मानना जरूरी है। जैसे कि आप कभी भी बोर्ड से ये नहीं पूछ सकते कि आपकी मौत कब होगी। बोर्ड से कभी भी अकेले में आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। जब भी आप बोर्ड से बात करो तो कोई ना कोई साथ में जरूर होना चाहिए। बोर्ड से आप कभी भी भगवान के बारे में नहीं पूछ सकते हो। लोगों का मानना है कि इन नियमों का पालन नहीं करने पर शैतान के कोप का भागी बन सकता है वो व्यक्ति जो ओइजा बोर्ड से बात कर रहा हो। I never knew कि ऐसा हो सकता है। Like literally हम इतना try कर रहे थे चलने को, जैसे चला चल नहीं रहा भाई। अभी भी बंद नहीं हो रहा गेम। ये देख। I don't know what this is. I'm really sorry. मेरे को सही में नहीं लगा था ऐसा कुछ होने वाला है। 1973 में एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया गया था कि शैतान एक लड़की के अंदर घुस जाता है बोर्ड के माध्यम से। ये फिल्म काफी डरावनी थी। लोगों ने ओइजा बोर्ड को शैतान का हथियार समझ लिया जब उन्होंने ये पिक्चर देखा, और वो मानने लगे कि ये बोर्ड शैतान का घर है, और उनका मानना था कि ऐसा हो भी सकता है। इसी वजह से कई लोगों के पास ओइजा बोर्ड था जिन्होंने तोड़ भी दिया। ओइजा बोर्ड को पेटेंट कराने वाले एलिजा बॉन्ड के मृत्यु हो जाने के बाद इतिहासकार और ओइजा बोर्ड का संग्रह करने वाले रॉबर्ट मार्च ने 2007 में बोर्ड की समाधि पर ओइजा बोर्ड बना हुआ पत्थर लगवाया और अपनी तरफ से विशेष प्रकार की श्रद्धांजलि दी। ओइजा बोर्ड को खतरनाक इसलिए भी माना गया क्योंकि उससे होने वाला काम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जैसे विलियम फ्यूलरेड ने 1917 में ओइजा बोर्ड के व्यापार में काफी पैसा कमाया था। उनका कहना था कि वो अपना काम ओइजा बोर्ड की हेल्प लेकर के करते हैं।
उन्हें एक आत्मा ने 3 मंजिला इमारत बनाने के बारे में कहा था। जब इमारत का काम चल रहा था तो विलियम की मौत उसी इमारत के छत पर से गिरने की वजह से हो गई। जब वो गिरे तो उनकी पसली टूट गई और दिल में घुस गई और उनकी उसी वक्त मौत भी हो गई। ऐसी कई कहानियां हैं जो ओइजा बोर्ड से जुड़ी हुई है, जैसे कि एक नॉवेल भी है जो कि ओइजा बोर्ड की मदद से लिखा गया है। ऐसा उस लेखक का दावा है कि उसने नॉवेल को लिखने के लिए 2 आत्माओं से संपर्क किया था। उसके बाद वो उस नॉवेल को लिख पाया था। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों कहानियां हैं जो ओइजा बोर्ड पर बनाई गई हैं या फिर ओइजा बोर्ड के माध्यम से घटित हुई हैं। आप YouTube पर, Google पर हर जगह सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है, और जो भी चीज़ बताई जाएगी वो आपको डराने वाली ही होगी। भले ही वीडियोस बनाई जाए, वीडियोस आप देखो, स्टोरी डाली जाए, स्टोरी आप पढ़ो, लेकिन हर जगह पे यही सब होता है, यही सब मिलता है। जब ओइजा बोर्ड शुरुआत हुई थी इसकी, फिर भी यही सब देखने को मिलता था। तो इसके पीछे का सच क्या है, आज आप जानिए कि साइंस क्या कहती है इसके पीछे। क्या आप अभी यहाँ पे हो? Yes. विज्ञान की अगर बात की जाए ओइजा बोर्ड पर रख करके, तो विज्ञान ये कहता है कि इसके पीछे लिडियो मोटर इफेक्ट माना जाता है। बोर्ड पर जो कुछ भी चलता है वो इंसान ही चला रहा होता है, जो इंसान सोचता है वही चल रहा होता है, पर इंसान को इस बात का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि उस समय इंसान का पूरा दिमाग नहीं, सब कॉन्शियस माइंड जो एक दिमाग का हिस्सा होता है वही काम कर रहा होता है। इंसान ना चाहते हुए भी वो कार्य को कर रहा होता है, और वो कार्य होते हुए भी इंसान को नहीं पता होता कि वो कार्य वही कर रहा है। और यही इफेक्ट पड़ता है जब हम ओइजा बोर्ड खेल रहे होते हैं, ये कहना है साइंस का। आप सरल शब्दों में यही समझ सकते हो कि आपकी धड़कन चल रही होती है क्योंकि आपका दिमाग चला रहा होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका धड़कन आपका दिमाग चला रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। इसी प्रकार से ये इफेक्ट भी कार्य करता है। और ओइजा बोर्ड खेलते समय हमें तरह तरह का जवाब मिलता है, वो हम ही कर रहे होते हैं, ऐसा साइंस कह रहा है, ऐसा मनोविज्ञान कह रहा है। खैर, 120 सालों से चले आ रहे ओइजा बोर्ड की बिक्री साल 2014 में एक बार फिर बढ़ गई, क्योंकि हॉलीवुड में एक फिल्म निकली ओइजा, और इसको देखने के बाद बिक्री ओइजा बोर्ड की 300% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आई है तो सब्सक्राइब करिए और बताइए कॉमेंट में कि और भी वीडियोज चाहिए या नहीं। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।